मैडम, हर चीज की एक हद होती है और इंसान उसी हद में अच्छा लगता है, और आप भी अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। इन जज्बात में बह जाना नो, ये इंसान को कमजोर बना देता है, और मैं तुम्हें कमजोर नहीं, चट्टान की तरह मजबूत देखना चाहता हूँ। क्या हो गया तुझे? शायद प्यार। अगर मेरी बेचैनी, उदासी, परेशानी का मतलब मोहब्बत है तो मुझे वाकई अरुण से मोहब्बत हो गई है। जा रहा है राजेश सक्सेना, जो अपनी इज्जत का ढिंडोरा पीटता फिरता था। बाजार के चौराहे पर बिकने वाली कोई अश्लील किताब नहीं है हम, जिसके पंदे हर कोई पलटता रहे और हमारे मुंह पर थूकता रहे। बिजनेस मेरा पेशा है और हमेशा अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की तलाश में रहता हूँ। जब हमारी शालू चली जाएगी तो ये घर सोना हो जाएगा। सारी जिंदगी स्टैंडर्ड और स्टेटस के पायों पर खड़े होकर आसमान छूने की कोशिश करते रहे, और आज आज वक्त है हमारे पैरों तले से हमारी जमीन भी खींच ली। मेरी शादी तो हो चुकी बाबूजी, मैं तो उसी दिन से उसे अपना समझ लिया जिस दिन उसे देख। मैं तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रही हूँ बाबूजी। मूड तो तुम अपना भी खराब कर रही हो और दूसरों का भी। क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली हो? जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। परछाइयां पकड़ने से हाथ में नहीं आ जाती। भूल जाओ अरुण को। अरुण तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है, वो किसी और का है, तुम उसकी जिंदगी में शामिल नहीं हो। मैं अरुण से प्यार करती हूँ, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। सुना तुम लोगों ने? मैं आपको सीमा जी से मिलवाना चाहता हूँ। एहसान तो आप मुझ पर कर रहे हैं वर्मा जी। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस उन्हीं की बदौलत हूँ। सड़क पर पड़े हुए एक पत्थर को उन्होंने तराश कर आसमान का चांद बना डाला। ये शालू है और ये सीमा भी। तुम उसके अपने होकर भी उसके अपने नहीं। अपने दिल के हाथों मजबूत शालू ने क्या क्या नहीं किया है तुम्हारे। वो तुम्हारा घर उजाड़ना नहीं चाहती, ना ही उसे तुमसे कुछ चाहिए। वो तो सिर्फ देना जानती है अरुण, मांगना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। मैं उसी सीमा देवी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने शालू से ना तो कभी प्यार किया है और ना ही करता हूँ, लेकिन मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसके गुण गाता हूँ। उसी के नाम से मेरी सुबह होती है, मेरी शाम होती है उसी के नाम से, इसलिए क्योंकि शालू और सीमा दोनों एक ही लड़की के दो रूप। समय रेत की तरह मुट्ठी से निकल गया, इसमें दिल का क्या कसूर? मुझे रोक कर मत विदा करो, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मेरी मांग में सिंदूर भी है और मेरा पति मेरी चिता को अब